दोस्तों जय हिंद। जैसे कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनावी राजनीतियों में इस समय तरह तरह की बातें चल रही हैं कि भर्तियां आएगी। उसी में से एक मजाक सा चल रहा है और अभी सरकार इसको लागू भी कर रही है। बड़ी हंसी की बात है। और क्या है ये, इस तरह का अधिकार है अजीब गरीब। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोली जाएगी सरकार, ठीक है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर शुरू होगा, मतलब दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर यहाँ शराब की दुकानें खुलेंगी और यहाँ सभी तरह की ब्रांडेड सर्वे आएंगी, मौजूद होंगी। अब महिलाओं की सेफ्टी का भी इसमें ध्यान रखा गया है कि शहर के आसपास ही इसको खोला जाएगा, जहाँ महिलाएं आराम से जाके शराब खरीद सकती हैं और पी सकती हैं, एवं ब्रेड भी बेचे जाएंगे और वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं। गजब की सरकार है हमारी। अब शराब की दुकानें, वाइन सभी खोले जाएंगे, देख रहे हो, ये चीज़ें अप्रैल से चालू हो जाएगी। तो ये हो सकता है महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि भैया अप्रैल से इसी महीने के एंड में आपको शराब की दुकानें दिखेगी। पहले शुरुआत में इन चार शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर से शुरुआत होगी, जहां एक एक शराब की ठेके खोले जाएंगे। उसके बाद इसकी लाइन लग जाएगी, है ना। अब इसका भी टेंडर होगा करोड़ों का। यहां भर्ती नहीं है, बेरोजगारी छाई पड़ी है, यहां शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। गजब की हमारी सरकार है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है महिलाओं के लिए, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है ये चीज़ कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में अब महिलाएँ शराब पी सकती हैं खुलेआम। तो इसका ठेका अप्रैल चालू हो रहा है, बधाई हो।